नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यप्रिया। गुड इवनिंग इंडिया का आज का ये अंक बेहद खास है, क्योंकि आज गुड इवनिंग इंडिया पर हैं हमारे साथ एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे शख्स जिनका नाम लेते ही आप सभी दर्शक उनसे मिलने के लिए उतने ही बेताब हो जाएंगे जितनी बेसब्र इस वक्त मैं उनसे बात करने के लिए हूँ। तो आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं एक ऐसे टेलीविजन, सिनेमा और साथ ही थिएटर कलाकार के जिन्होंने हम सभी के दिलों पर दशकों से अपनी बेहतरीन अदाकारी और कॉमेडी के साथ राज किया है। स्वागत करते हैं स्टूडियो में राकेश बेदी जी का। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सत्यप्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ यहाँ गुड इवनिंग इंडिया में हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पूछूंगी कि आप वैसे तो दिल्ली के ही हैं जी, स्कूलिंग कॉलेज आपने सब दिल्ली से ही किया, लेकिन FTII जब आपने ज्वाइन किया तो पुणे का रुख कैसे किया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? दिल्ली में जब थे तब तक थिएटर कर ही रहे थे? हाँ जी, थिएटर करता था दिल्ली में, और हमारा अपना ग्रुप भी था, अंकुर आर्ट्स के नाम से ग्रुप था, काफ़ी प्लेस किए उस। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक प्रॉपर चैंपियन, मेरा कोई मुंबई में या बॉम्बे उस वक्त जो था, बॉम्बे नाम था, मेरा कोई पहचान नहीं थी, कोई मेरा गॉडफादर नहीं था, कोई मेरी फिल्म लाइन में किसी से कोई मुलाकात, कोई ताल्लुक नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कोई प्रॉपर चैनल से जाऊँ और काम को सीखूँ भी, ये नहीं कि क्या है कि थिएटर जब यहाँ करते थे तो आपको करते करते लगता कि आप बड़े अच्छे कलाकार हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो और कितना कुछ और सीखना बाकी है। तो इसलिए मैं सीखना चाहता था वहाँ जाने से पहले, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि समुंदर में छलांग लगानी है तो पहले स्विमिंग सीख लो, वरना डूब जाओगे। तो एक ऐसा मेरे मन में एक थॉट था, तो मैंने वो कोर्स किया। और उसके बाद फिर इत्तेफाक की बात है कि जब मैंने कोर्स ख़त्म किया तो उसका कन्वोकेशन था हमारा, जब जहाँ हमको वो डिप्लोमास दिए जा रहे थे, तो उसमें चीफ गेस्ट जीपी सिप्पी साहब थे जो शोले के प्रोड्यूसर जी थे, और शोले उस समय मतलब लगे हुए 2-3 साल हो गए थे और बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हिट थी वो, तो वो चीफ गेस्ट थे। तो मैं अपने ही कन्वोकेशन पे अपने डिप्लोमा लेने के साथ एक प्ले कर रहा था। अच्छा। उसी स्टेज पर जहाँ मुझे डिप्लोमा मिलना था, क्योंकि थिएटर में करता ही था, तो मैंने प्ले में किया पार्टिसिपेट, प्ले को काफ़ी मैंने संभाला भी, डायरेक्शन भी किया, कुछ काफ़ी कुछ किया। तो उनको मेरी अदाकारी इतनी पसंद आई कि बाहर निकलने के बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक नई फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है एहसास, उसमें दो लड़कों की कहानी है, एक तुम करोगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े प्रोड्यूसर शोले जिन्होंने बनाई, वो इमीडिएटली मेरा काम देखने के बाद उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की। तो वहाँ से एक शुरुआत हो गई बस, और वो सिलसिला अब तक जारी है। तो FTII के दिनों की कुछ ऐसी खास बातें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आपके बैचमेट्स सतीश शाह जी भी थे, विधु विनोद चोपड़ा जी भी थे, तो एक बहुत ही एक बढ़िया बैच था, और आपके टीचर्स रोशन जी जैसे आपके टीचर्स थे, तो कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली जब मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मैं वहाँ 2-3 दिन लेट पहुँचा था, मतलब ज्वाइनिंग, तो मेरा नाम लिखा था मतलब बोर्ड पे कि एक राकेश बेदी नाम का आदमी आने वाला है। तो जितने भी मेरे क्लास फेलो थे उनको लगा कि वो कुछ कबीर बेदी को इमेजिन कर रहे थे कि शायद 6 फुट 2 इंच का एक आदमी आएगा एक भारी भरकम आवाज़ लेकर। तो जब मैं पहुंचा तो मुझे देखकर वो सब हैरान हो गए, तुम राकेश बेदी हो? मैं ही हूँ। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और शुरू में काफ़ी रैगिंग भी हुई, और जैसा होती है, मतलब आजकल तो रैगिंग काफ़ी बैंड है, लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट में रैगिंग जो होती थी वो बड़ी मज़ेदार होती थी, उसमें कोई टॉर्चर वॉर्चर या ऐसा कोई तंग करने वाली बात नहीं होती थी, एक फन रैगिंग होती थी। तो मुझे याद है कि मेरी और डेविड धवन की बहुत रैगिंग हुई, और एक अच्छा, आप दोनों भी सेम बैच में जी, वो डेविड धवन मेरे बैच के थे, ही वॉज इन एडिटिंग और मैं एक्टिंग में था, लेकिन हमारा टाइम सेम था एंट्री का। तो फिर एक रैगिंग मेरी ऐसी हुई उनके साथ कि उनको मेरी माँ बना दिया गया और मैं उनका बच्चा बना, और अलमारी के ऊपर चढ़ के, अलमारी होती है रूम में, उसके ऊपर बैठ के उनकी गोद में मुझे लेटना पड़ा, है ना, माँ की गोद में। तो बड़ी फन फील्ड रैगिंग थी। और वैसे भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ आप कोर्स करने जाते हैं, वो फन फील्ड अगर हों तभी मज़ा आता है, यू नो। और वो एक बहुत ही प्यारा अरसा वक्त मेरी जिंदगी का है।
तो आप अब एक्टिंग सिखाते भी हैं, वर्कशॉप्स भी लेते हैं, तो एक्टर्स के लिए कौन सा एक ऐसा टिप है जो आपको लगता है कि ये तो बस महामंत्र है? नहीं, महामंत्र तो सबसे बड़ा महामंत्र तो यही है कि आप अपना काम करने से पहले उसको सीख लें। अब ये ऐसे ही है कि मुझे कोई बोले कि ये मेज़ बना दो, तो अगर ये मेज़ मैं बनाने जाऊंगा तो मैं शायद 10-15 अटेम्प्ट में कुछ इसके करीब की चीज़ शायद क्रिएट कर पाऊँ, यू नो। लेकिन मुझे 10-15 चांसेस देगा कौन और क्यों देगा, जबकि मेरे से बेटर आदमी एक ही बार में बनाने वाले बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से एक्टिंग का भी है, किसी भी फील्ड का है, कि आपको जब, और ये एक ये धारणा लोगों के मन में बनी हुई है कि एक्टिंग एक आर्ट है, एक जी बॉर्न आर्टिस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी, जो कोई सिंगर हो, उसको अगर भगवान ने अच्छी आवाज़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कमाल का सिंगर बन जाएगा। उसको गुरु चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई तबले की संगत क्या होती है, माइक के पे कैसे गाना होता है, और कितने तरह के सुर होते हैं, कितने तरह के राग होते हैं, कौन सी रागनी कहाँ किसके साथ क्या मैच होती है, जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, वहाँ क्राफ्ट आ जाती है। तो आर्ट जो है एक पॉइंट पे पीछे रह जाती है और क्राफ्ट आगे आ जाती है, और एक पॉइंट पे जाकर आगे चलकर ये आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो बॉर्न आर्टिस्ट होना कोई वो उसमें वो नहीं है, क्योंकि जब आप सिनेमा में एक्ट करते हैं तो पहली बात तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके सामने पूरा यूनिट खड़ा होता है। कई दफ़ा ये होता है कि आप रोड पर सीन कर रहे हैं और 1,500 आदमी सामने खड़ा हुआ है, यू नो, उनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब भूल के कि आप कौन हैं क्या हैं, सारी अपनी इनहिबिशंस निकाल कर। तो और फिर आपको क्राफ्ट में ये भी आता है कि आपको कौन सी लाइट लेनी है, कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ पर मार्क पे आके खड़ा होना है, यू नो, और किस क्यू के बाद कितना आपको अपनी वॉइस को उठाना है या क्या करना है। तो सारी चीज़ें एक आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉम्बिनेशन है। तो मैं यही जो महामंत्र अगर आप कहें तो यही है कि आप, ये इतना आसान काम नहीं है जितना दिखता है। हाँ, अगर आप एक एवरेज एक्टर रहना चाहते हैं तो बड़ा आसान है कि आपको डायलॉग दिए गए, आपने बोल दिए। लेकिन अगर आपको एक अबव द ऑर्डिनरी थोड़ा उठना है तो फिर आपको अपनी थोड़ी पॉलिश करनी पड़ेगी अपनी आर्ट। और फिर बेहतरीन एक्टर वही है जो एक सीन के लिए भी अगर आए तो सब कुछ एकदम पलट कर रख दे, जैसे आपने उरी में किया। एक सीन, लेकिन इतना कमाल का वो सीन जो मतलब पूरा डायनामिक्स चेंज कर देता है। हाँ, उसकी भी एक अच्छी स्वीट सी कहानी है। जब मेरे पास उनका फोन आया तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ये सीन मैं नहीं करूँगा, एक ही सीन है, और शूटिंग भी उसकी सर्बिया में थी, मतलब आउट ऑफ इंडिया थी। तो एक दो दिन जाने में, एक दो दिन आने में, फिर एक दिन की शूटिंग, मैंने एक सीन के लिए क्या मैं वहाँ, तो मैंने मना किया, 2-3 बार मना किया, प्रोडक्शन को मना किया, डायरेक्शन को मना किया। फिर वो लड़का जो डायरेक्टर है, आदित्य धर, उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा राकेश जी मैं सच कह रहा हूँ कि जब मैंने ये सीन लिखा था तो मैंने सीन के आगे आपका नाम लिखा था कि ये सीन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। और तो मैं जो पूरी स्क्रिप्ट जितनी बार भी मैंने पढ़ी है, लिखी है, उस पर काम किया है, हर बार मेरी नज़रों के सामने आप ही आए। हाँ। तो आप इसको रिफ्यूज़ मत कीजिए, मेरे लिए कर लीजिए। और मैं, मुझे अब लग रहा है कि अगर मैं नहीं करता तो शायद गलती करता, क्योंकि मुझे वो सीन, हालांकि छोटा सा है लेकिन एक काफ़ी उसका असर पड़ता है लोगों पे। बिल्कुल। तो आपके सभी, अगर टेलीविज़न सीरियल्स की बात करें तो चाहे हम ये जो है ज़िंदगी की बात करें या श्रीमान श्रीमती की बात करें, जैसे मैं बता रही कि अगर आज भी मैं दिलरुबा शब्द को सुनती हूँ तो सिर्फ आप ही का चेहरा सामने आता है, कोई दिलरुबा मेरे आंखों के आगे नहीं आती। तो ये इम्पैक्ट था। लेकिन हाल ही में, मतलब पिछले कुछ सालों से आप टेलीविज़न पर इतने नज़र नहीं आए और आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट केवल थिएटर की तरफ किया, तो क्या इसके पीछे कोई ख़ास कारण था? नहीं, ख़ास कारण, देखिए एक कारण तो ये है कि टेलीविज़न अब बड़ा डिमांडिंग हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर के लिए क्रिएटिविटी कम हो गई है और टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया है, मतलब मुझ जैसे एक्टर के लिए, कि मतलब मैं अपनी कोई ऐसी कलाकारी अगर दिखाऊं या कोशिश करूं कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूं,
तो शायद चैनल वाले पसंद ना करें उसको, उसको ना रखें या उसको काट दें, ऐसा बहुत होता है. तो मुझे ये बात पसंद नहीं कि मैं सिर्फ नाम के लिए कि मैं हाँ टेलीविजन कर रहा हूँ और मैं करता रहूँ और फिर उसमें मुझे क्या, मैं ऐसा एक्टर हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि मैं जो भी काम करूँ मुझे उसमें से किक मिलनी चाहिए, मुझे उसमें एक नशा मिलना चाहिए. हाँ. एक कम से कम कोई और नहीं तो मैं तो अपनी पीठ थपथपाऊँ कि आज मैंने मुझे मज़ा आया. यू नो, अगर मुझे खुद को ही मज़ा नहीं आएगा काम करने में तो फिर देखने वालों को कैसे मज़ा आएगा. तो मैं इस बात को बिलीव करता हूँ. तो इसलिए मैंने कुछ थोड़ा सा बैक सीट हो गया मैं टेलीविजन को लेकर. लेकिन थिएटर में मैंने इन दिनों में पिछले 7-8 साल में बहुत शुरू से ही कर रहा हूँ. बिल्कुल. मतलब मैं बड़े प्राउड होता है मुझे ये कहते हुए कि ऐसे बहुत कम कलाकार हैं जो मतलब पिछले 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ. और मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक महीना नहीं है जब मैंने स्टेज पे कदम ना रखा हो इन सालों में. इन स्पाइट ऑफ ऑल द फिल्म आई हैव डन, अराउंड 200-300 फिल्म, थाउजेंड ऑफ एपिसोड ऑन टेलीविजन, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई हैव ऑलवेज बीन ऑन स्टेज फॉर समथिंग और द अदर. ट्रू ट्रू. बट डू यू ऑल्सो थिंक दैट the way, I mean, the kind of television content that we see today and the kind of content that we used to see like 20 years back or 30 years back, it has changed drastically in the sense ki sandeshatmak hame content kam milta hai aur uske alawa aisa content jo aapke upar ek long lasting impact bhi chhod de wo bhi kam milta hai. Dekhi, aisa hai, मेरे दो सीरियल तो दूरदर्शन पे रहे हैं, ये जो है जिंदगी और श्रीमान श्रीमान श्रीमती. अब इन दो सीरियल्स में चैनल की तरफ से ये सीरियल 4-4 साल चले हैं, 4-4, 5-5 साल चले हैं, कभी कोई नहीं आया. किसी का कोई संदेश भी नहीं आया, किसी का कोई मैसेज नहीं आया कि इस सीन को ऐसा करो या इस रोल को काट दो या उस रोल को बढ़ा दो या यू नो ये लाइन स्टोरी लाइन चेंज कर दो. ऐसा कुछ नहीं हुआ. मतलब किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस कभी नहीं हुई. तो मतलब सारी की सारी जो क्रिएटिविटी थी वो राइटर डायरेक्टर और एक्टर्स की थी. तो इसलिए जो भी आपने आपने जो बात कही, तो जो कुछ आपने देखा वो दिल से निकला हुआ है, वो दिल से बना हुआ है. मतलब अपनी जी जान लगाकर अपनी फुल क्रिएटिविटी से काम किया विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीबडी. अच्छा, अभी इंटरफेरेंस होती भी है तो किससे होती है? एक ऐसे लड़की से या ऐसे लड़के से जो कि शायद अभी 22-23 साल का है, कहीं से कुछ कोर्स करके आया है मीडिया का और उसको एक सीट मिल गई है कहीं, और वो आकर आपको गाइड करता है कि भाई हम चाहते हैं कि ये ऐसा किया जाए या वैसा किया जाए. तो थोड़ी तकलीफ भी होती है. हाँ. कि जब इतने एक्सपीरियंस वाले लोग सब लोग हैं तो फिर तो अब क्या है कि पहले टेलीविजन बनता था दिल से, अब बनता है टीआरपी से. तो सारी की सारी चीज़ टीआरपी ओरिएंटेड, टीआरपी जनरेटेड है अभी. तो पहले ऐसा नहीं था. तो जैसे बताया, ये जो जिंदगी में मतलब हम लोग जी जान लगा के रहे, हर एपिसोड पर काम करते थे, जहाँ हमको लगता था कि नहीं यहाँ थोड़ा स्लैक हो रहा है वहाँ कुछ और ऐसा करते थे कि या तो कंटेंट में आए या परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा आए कि वो डल मोमेंट्स क्रिएट ना हो. बसेरा भी उनमें से ही एक सीरियल था. जी, कमाल का. अब अगर हम आपके थिएटर की बात करें तो आपके कुछ प्लेज ऐसे हैं राकेश जी जो पिछले 15 साल 20 साल 25 साल से लगातार आप उनका मंचन कर रहे हैं और लोगों को आज भी वैसे ही लुभा रहे हैं जैसे शायद आज से 15, 20 या 25 साल पहले लुभा रहे थे. लेकिन एक एक्टर के तौर पर हर शो एक नया शो हो, आपके लिए भी और दर्शक के लिए भी, हाउ डू यू इंश्योर दैट और डज इट हैपन बाई इटसेल्फ? नहीं, देखिए थिएटर की एक ख़ास बात है, हम जब भी प्ले करते हैं, हमने भले ही उसकी कितने भी शो किए हों या शो करने से पहले एक्टर सब मिलके एक छोटी सी प्रेयर करते हैं. अगर नहीं करते तो हर एक्टर अपने अपने मन में अपने भगवान को एक बार याद करता है. वो इसलिए कि यार ये वाला शो मेरा अच्छा हो जाए. आपने हज़ारों शो किए हैं लेकिन फिर भी आपकी, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है,
पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्ले के अंदर, लाइट ऑफ हो सकती है, लाइन में अच्छे से अच्छा एक्टर लाइन बोल सकता है, आपका को एक्टर लाइन बोल सकता है, आपका को एक्टर एंट्री बोल सकता है, आप अपनी एंट्री बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो एक फन है उसकी, मेरा एक प्ले है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक प्ले है हमारा शतरंज के मोहरे, जिसको चलते हुए अराउंड 48 ईयर्स हो गए हैं, 48 साल हो गए साल इस वक्त मैं करता हूँ। और एक ज़माने में पहले संजीव कुमार ने वो रोल किए हुए हैं, राजेश खन्ना ने उसमें काम किया हुआ है, कादर खान ने उसमें काम किया हुआ है शुरू में, एक ही हंगल साहब ने किया हुआ है, मनमोहन कृष्ण साहब ने किया हुआ है अपने अपने वक्त पे, लेकिन आज की जो कास्ट है उसमें मैं करता हूँ, मुझे भी करते हुए 25-30 साल हो गए वो प्ले। तो मैं बेंगलोर में एक सिम्बॉयसिस एक कॉलेज है उसमें मैं लेक्चर लेने गया था एक्टिंग का ही, तो एक वहाँ पर प्रोफेसर आए जो बॉम्बे के थे, तो उन्होंने आके मुझसे मिले, मुझसे हाथ मिलाया और मुझसे कहा कि साहब मैंने आपका शतरंज के मोहरे देखा है। मैंने कहा साहब बहुत खुशी हुई। बोले आप बूझिए मैंने कितनी बार देखा है। मैंने कहा सर 2 बार। बोले नहीं और। मैंने कहा 4। बोले नहीं और। मैंने कहा 8। बोले नहीं। मैंने कहा 10-12। बोले नहीं। बोले मैंने 27 बार देखा है। 27 बार उन्होंने वो प्ले देखा है। मेरा प्ले मसाज है जो मैं कई साल से करता हूँ। 24 किरदार किए हैं आपने उसमें अलग अलग। वो मैं एक डॉक्टर बत्रा करके हैं बड़े मशहूर, वो उन्होंने 10 बार देखा है वो प्ले, एग्जैक्टली 10 बार देखा और फिर आने को तैयार है वो जब भी। तो ये एक खुशी की बात होती है एक्टर के लिए। 26 जनवरी को भी आप दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ जी, वो एक नया प्ले मैंने लिखा है जिसका नाम है जब वी सेपरेटेड। जी मैंने लिखा इस बात पर है कि आजकल डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है, यंग कपल्स में बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं, और आज से 8-10 साल पहले डाइवोर्स के रीजंस और थे। वो ये थे कि अभी सास तंग करती है, या ससुरा जो है वो परेशान करता है, या ननन साथ में रहती है, या देवर बहुत ओवरबेयरिंग है, या लेकिन अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, ऊपर तुम्हारे कोई भी नहीं है साथ में, तुम्हारे कोई भी नहीं, फिर डाइवोर्स क्यों? तो मैंने इस बात को लेकर वो प्ले लिखा कि एक कपल को जिन्होंने डाइवोर्स फाइल किया है, तो उसको कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया है कि आप 6 महीने साथ में बिताइए, तो उन्होंने बीच में दीवार डाल दी है, तो उस 6 महीने को मैंने टैप करने की कोशिश की है। तो इस पर है ये प्ले जी। अगर हम बात करें आपके जितने सीरियल्स रहे हैं कॉमेडी, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एन एक्टर कॉमेडी शायद सबसे एक मुश्किल जॉनर है, क्योंकि कंटेंट तो है ही पर टाइमिंग बेहद ज़रूरी है और आप उसके मास्टर हैं। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा भी लगता है कि इस टेलीविज़न इंडस्ट्री ने या सिनेमा ने आपके इस पक्ष पर, जो एक्टर का जो ये पक्ष है, इस पर बहुत जोर दिया, लेकिन जो बाकी पक्ष थे कहीं ना कहीं उनको उस तरह से टैप नहीं कर पाए, क्या इसका रिग्रेट भी है? इसीलिए मैं थिएटर करता हूँ, क्योंकि जो मन की भड़ास कहीं और नहीं निकल पाई वो यहाँ निकल जाती है। देखिए आई डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट, क्योंकि टेलीविजन हो गया या सिनेमा हो गया, ये अल्टीमेटली सी कमर्शियल प्रपोजिशंस हैं, यू नो, तो उनको वो कॉमर्स जो जब बीच में आता है तो उनकी कुछ मजबूरियाँ कुछ पैदा हो जाती हैं कि साहब इस रोल के लिए हम, एक सीरियस रोल आते उसमें हम राकेश बेदी को नहीं लेंगे क्योंकि उसकी इमेज वैसी है, एक ऐसे आदमी को लिया जाए। और वैसे भी फिल्मों में आप देखिए जनरली ऐसा होता है कि फिल्मों में लोग स्टेंसिल कट कास्टिंग करते हैं। हाँ, बिल्कुल टाइप कास्ट, टाइप कास्ट करते हैं कि साहब बाप जो है वो अगर बाबूजी चाहिए तो आलोक नाथ जैसे होने चाहिए, यू नो, स्कूल मास्टर जो है तो अगर विलन है तो वो अमरीश पुरी जैसा होना चाहिए, तो मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, या तो इस तरह से वो टाइप कास्ट करके ही सारी कास्टिंग शुरू से करते हैं और दिमाग पे बोझ नहीं डालते कि हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी करें, you know? तो उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये जैसे टेलीविजन TRP जनरेटेड ओरिएंटेड है, इसी तरह से सिनेमा भी कमर्शियल बंदिशों में, यू नो, बाउंड है। राकेश बेदी के पीछे जो ये कलाकार है उसके कई आयाम हैं, एक ये भी है कि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, आप एक कवि हैं और आप एक शायर भी हैं, कुछ सुन सकते हैं आपसे? और
ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं। जरूर। इतना बिना संभल के चल, इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल तो शून्य कह कोई गजल, तभी तो शायरी के साथ होगी मुलाकात, ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा। क्या बात है। तो कैसे दिल लगी के साथ होगी मुलाकात, इतना बिना संभल के चल तू छोड़ वो कल और जी ये पल, तभी तो इस घड़ी के साथ होगी मुलाकात। बहुत कुछ उस कल में जीता जाएगा तो इस पल से तू क्या पाएगा, तो कैसे चला चली के साथ होगी मुलाकात। बहुत खूब, बहुत खूब। इससे एक सवाल और याद आता है कि क्या एक एक्टर के लिए, या फॉर दैट मैटर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जो कलाकार है, उसके लिए क्या ये ज़रूरी है कि एक काम करने के बाद जब दूसरा कोई नया अध्याय शुरू होता है तो पहले वाले को पूरी तरह से भुला कर नए अध्याय को शुरू किया जाए। उसका कोई बर्डन या पहले वाले से जो कुछ भी आपने शोहरत हासिल की, या फिर अगर उसमें कोई कुछ ऐसा भी रहा, कोई स्ट्रगल भी रहा, तो उसे पूरी तरह से भुला के आगे नया एक अध्याय शुरू करें, क्या ये बहुत ज़रूरी है? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मैं अगर राइटर भी हूँ या मैं डायरेक्टर भी हूँ तो मैं अपनी एक्टिंग को क्यों भूल जाऊँ। मैं बिल्कुल नहीं भूलता, मैं अपनी एक्टिंग एंजॉय करता हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं अपनी एक्टिंग को इतना एंजॉय करता हूँ, अपने काम को इतना एंजॉय करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में काम किया ही नहीं, मैं तो एक बहुत लंबे हॉलीडे पे हूँ, मैं तो ऐश कर रहा हूँ, यू नो, मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने काम। तो काम तो वो करता है जिसको लगता है कि हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ, यार मुझे तो काम मिल गया, काम मैंने मुझे लगता है कि मैं तो एक छुट्टी पे हूँ, एक कमाल की पिकनिक पे हूँ। अगर आप अपने काम को एंजॉय करें, एक किसी बहुत बड़े राइटर ने कहा दैट इफ़ यू एंजॉय योर वर्क यू डोंट एक्चुअली वर्क फॉर अ सिंगल डे इन योर लाइफ। वेरी ट्रू। आप बहुतों के आइडियल्स हैं, लेकिन आपके आइडियल्स कौन हैं? मेरे सबसे बड़े जो आइडल हैं वो हैं चैपलिन, चार्ली चैपलिन। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने उनसे ये सीखा है कि आप कितनी भी सीरियस बात करें उसमें ह्यूमर का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। चैपलिन की सारी क्रिएटिविटी जितनी भी है, सारी क्रिएशंस सीरियस हैं, एक आदमी की दुख भरी दास्तान है, लेकिन आप हंसते हैं उसके ऊपर। तो एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप सीरियस बात कहेंगे तो उसका दिल पे ज़्यादा असर होगा, बजाय इसके आप सीरियस ओनली सीरियस बात करें। अगर आप सिर्फ सीरियस ही बात करेंगे तो किसी के पास सुनने के लिए वक्त नहीं है आपको, लेकिन अगर आप किसी को हंसा के सीरियस बात कहेंगे तो उसके दिल के अंदर वो असर करेगी। ये मेरे मैंने चैपलिन से सीखा है। बाकी मेरे परफॉर्मेंस में मेरे आइडल दिलीप कुमार हैं, और बच्चन साहब को बहुत बड़ा एक्टर मानता हूँ, अमिताभ बच्चन को मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनके हर काम को फॉलो करता हूँ, और सिर्फ काम को ही नहीं, उनके डिसिप्लिन को, उनके कंडक्ट को मैं बहुत बहुत मानता हूँ। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके लिए सक्सेस क्या है, तो कैसे आप इसे सम अप करेंगे? मैं ऐसे अपने आप, मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेस की कोई भाषा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। सी, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी आपको, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। आप कितने भी अच्छे एक्टर हों, लेकिन यू हैव टू बी गुड इन योर वर्क, यू हैव टू डू इट विद फुल डेडिकेशन। सक्सेस इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। मुझे कोई भी अगर चीज़ किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है, मैं ज़्यादा जीता नहीं उसके साथ, मैं उसको बहुत जल्दी छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी पास्ट दौरी में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कहा आपने चश्मे पर दूर कई बार देखी है, कई बार देखी है, अनगिनत, मुझे ऐसे तो याद भी नहीं। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने श्रीमान श्रीमती के हजारों बार एपिसोड देखे हैं, कई बार देखे हैं। मैंने चश्मे पर दूर अपनी लाइफ में सिर्फ दो बार देखी है, और मैंने श्रीमान श्रीमती के गिन के 7-8 एपिसोड देखे होंगे। मैंने ये जो है ज़िंदगी के हार्डली मैंने कभी देखा होगा। मैं अपने किए हुए काम को नहीं देखता, मुझे लगता है जो हो गया वो हो गया,
अभी आगे का देखते हैं कि क्या, क्योंकि अगर आप पीछे देखते रहेंगे तो आप देन यू स्टार्ट लिविंग इन पास्ट ग्लोरी विच आई डोंट लाइक यू नो. बट व्हाट इज इट दैट डिफरेंशिएट्स एन एवरेज वर्क फ्रॉम समथिंग दैट इज एग्जेम्पलरी एंड व्हाट इज इट दैट मेक्स अ वर्क विच हैज एन इम्पैक्ट विच इज लाइक फॉर एवर. बिकॉज जिनका भी आपने नाम लिया, चाहे चश्मे बदूर की बात करें या फिर आप ये जो है जिंदगी की बात करें, इनका जो इम्पैक्ट है आज 30 साल बाद 35 साल बाद उतना ही है जितना शायद उस वक्त था. अब ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उसकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है यूट्यूब वगैरह से. देखिए ये वही बात है कि आप जो काम पैशन से करते हैं ना, या पूरे दिल से अगर आप जो काम करते हैं वो रहता है, देर तक रहता है. लेकिन अगर आप यही सोच के काम कर रहे हैं कि मैं काम पे आया हूँ, मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं और मुझे पैसे मिल गए और मैं चला गया, तो उसकी जो फिर वो शेल्फ लाइफ उस काम की कम हो जाती है. तो आपके काम में जो पैशन आपने अगर डाला है तो आपने डाल दिया पैशन, लेकिन वो पैशन देखने वालों तक हमेशा पहुँचेगा. और बस यही सोच से मैं करता हूँ कि जो भी काम करूँ उसमें जितना मतलब मुझे आता है, जितना पैशन से कर सकता हूँ करता हूँ. तो चलते चलते आपके कई फैंस हैं जो ये शो देख रहे हैं और कई यंग आर्टिस्ट हैं जो ये शो देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए मेरा संदेश यंग एक्टर्स को यही है कि बिना अपनी क्राफ्ट को समझे परखे जाने पॉलिश किए इस लाइन में अगर आप आते हैं तो फिर क्या, आप स्ट्रगल तो कई बार कई सालों तक करते रहते हैं, फिर ब्लेम करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, किस्मत को ब्लेम कर लीजिए या किसी व्यक्ति विशेष को ब्लेम कर लीजिए, उसने मुझे नहीं बनने दिया वरना मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता. और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर कोई आपका दुश्मन नहीं होता, अगर होता तो सिर्फ आप खुद होते. क्या बात है. या तो आपने अपनी तैयारी नहीं की प्रॉपर, या आप सक्सेस आने के बाद आपका दिमाग खराब हो गया, या आप सक्सेस को हजम नहीं कर पा रहे, या आप फेलियर को हजम नहीं कर पा रहे. फेलियर को तो फिर भी बहुत लोग हजम कर सकते हैं, कर जाते हैं, लेकिन सक्सेस को कम लोग हजम करते हैं. बिल्कुल एकदम सही. तो ये एक जो बातें हैं कि आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं और किस तरह अपने किस एटीट्यूड से आप काम करते हैं, किस एटीट्यूड से आप लोगों को मिलते हैं और कैसे अपने करियर को आप एक दिशा देते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं. सिर्फ एक्टिंग ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. राकेश जी, आप सच में जो कुछ भी अभी आपने कहा, आप उसके एक रोल मॉडल भी हैं. मैं इस बात को मानती हूँ, जितनी ह्यूमिलिटी, जितनी मॉडेस्टी और जिस एक खुशनुमा तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, सच में आप इसके रोल मॉडल हैं. और आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सत्यप्रिया जी, सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गुड इवनिंग इंडिया में इस खूबसूरत बातचीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं. और आपको जैसे जानते हैं आप कि हाल ही में मकर संक्रांति का पर्व देश भर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली के द्वारका विधानसभा में उत्तरायण पूजन समिति के द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए. आइए देखें उसकी कुछ झलकियाँ. Yeah.
उत्तरायणी की बात करते हैं तो उत्तरायणी भगवान सूर्य के साथ हिमालय गंगा यमुना से जुड़ी हुई है। उत्तरायणी का वह उत्सव था जब बागेश्वर में महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले देश के लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया था। तो हमने वर्ष 2005 में दिल्ली में जब पहली बार उत्तरायणी को उत्तरायणी नाम से सार्वजनिक जगह पर आयोजित किया था तो उस समय लोगों को लगा कि ये छोटा सा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लोग कहते हैं। हमारा संकल्प यही है कि उत्तरायणी किसी क्षेत्र का पर्व नहीं, उत्तरायणी किसी इलाके का पर्व नहीं, समुदाय का पर्व नहीं, यह वैश्विक पर्व है और यह वैश्विक पर्व हमें एक प्रकार से प्रकृति के सम्मान और पर्यावरण सुरक्षा की भावना दिलाता है। आज जिस तरह से कि दिल्ली में हमारे उत्तराखंड के लोग जो कि कई जगहों पर दिल्ली के आज जो है 61-62 जगहों पर जो उत्तरायणी पर्व का आयोजन हो रहा है ये हमारे एकता का प्रतीक, उत्तराखंड की एकता का प्रतीक है। आज हमारे उत्तराखंड के लोग सभी जगहों पर एकजुट हो रहे हैं, एकमुट हो रहे हैं। आज ये उत्तरायणी का पर्व ये जिस तरह से हमारे उत्तराखंड के लोगों को इकट्ठे कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, मैं भगवान सूर्यदेव से मेरी यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि उत्तरायण के पर्व से धीरे धीरे हम सभी लोग अपने एकजुटता अपनी एकता दिखाएं। प्रकृति के सम्मान में सूर्य देवता की पूजा करके नहा धो के और सूर्य की आराधना की जाती है और प्रकृति के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन खूबसूरत झलकियों के बाद आइए गुड इवनिंग इंडिया पर अब आपको मिलवाते हैं नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर पद्मश्री शाजी एन करुण से, जिनसे हमने हाल ही में बात की। हमने उनसे कई विषयों पर बात की, उनके सिनेमा के विषय में किस तरह के सब्जेक्ट्स उन्हें रुझाते हैं और सिनेमा उनके लिए क्या है, इस बात को जाना। आइए आपसे भी उनकी मुलाकात करवाएं। Namaskar, welcome to our show. It's indeed a pleasure that you are here with us on our show. Thank you so much. I am also very glad that I could able to speak for you. Being a cinematographer, you observe life and the intricacies of it. As a director, what is the trigger or what is the inspiration that sets you to create something new? Cinema is basically, if you look at it, it's almost the near language to the mind. We still doesn't know where is the mind, whether it is in your cerebral placement or your heart. It's a link, it's a missing link. So to identify where is mind, people think differently, different occasions, different emotional content, and what is soul also for that reason. The soul for that reason and mind for that reason. We always speak in average common life. We speak about when such situations comes, it's in a very spiritual level. These two things, my mind and my soul, and cinema is also a language very near to that. For that thing, so the subject for the cinema is unending.
So we can go on experiment or finding where is the probe for the cells, like a scientist, where is the, when the gravity was not there, the people doesn't know where it all falls down. Somebody said it is due to then. So the mind, so cinema always try to find out where the mind is. And that mind is the most important aspect for the subject for the cinema. That's why I put the pain, all kind of, identity crisis in this film, an innocent form of a girl who is being got raped. Now, what is her innocence and who looked at that innocence and why that girl is being raped for that rape? But her idea of the honesty of innocence, I always believe honesty is a problem to find out where the mind. And cinema is for that. But cinema itself is a very complex medium, like the human mind, which affects the human mind on various levels. It is the conscious level, it's the subconscious level, as well as the unconscious level. So, as you said, that's the reason that you have chosen pain as the subject and honesty as the subject. But are there other techniques by which you bring about this complexity in your work? See, telling a story to the common man is the one of the tricky things. There are very many layers of people who wanted to watch the film and wanted to understand. Sometimes the cinema has an ability to layer the different content. What is the first one, second one, third one? Like in mind, when you don't know how to surface it, but through the sound, through the visuals, through the performance, through all those elements is one of the beauty part of layering it. And that layering portion, whatever you want to, like in epic forms, you know, Ramayana is being depicted in different ways, how many times, how many ways, and same way, that is because it is emotionally drenched. The whole content is drenched, the fight and then pain, everything has been, so that it can be depicted. Same way, cinema, for whatever the idea, whenever you watch the cinema first time, whenever you see the second time, third time, fourth time, this layer will surface out. That is the idea of a filmmaker, any good, like any painting, you know. The language, we always call music, that's why the language is sound. That I always say, the sound is the language for the God, in converse with the God. But light for a cinematographer is also, is where you don't want to see, where you should see, like a deity. If you don't put a light in front of it, deity is dull. If you put a light, it gives enough strength for you to speak, to converse in a very silent form. So light is the most spiritual, and cinema is always made up of light. Without light, cinema cannot be seen. And you need a darker surface to see the cinema. You need a cinematographer to say what is to be seen, what is not to be seen. So the most important creativity of a cinema is the spiritual side of it, not storytelling alone. So I am looking for that thing. Whether I failed, that's a different question. Talking about Piravi, the opening sequence of Piravi is an excerpt from the Kaushitiki Upanishad. And Piravi talks about an 80-year-old man who is in search of his son and the pain and the grief that, of course, is associated with that. So did you draw the inspiration for this cinema from the Kaushitiki Upanishad, or when you had the subject in mind and you researched extensively, you were led to the Kaushitiki Upanishad and then you drew the analogy between the two? What I thought while I made this film, see, I was of course a graduate from the Film Institute. I saw many films, and then the possibility of cinema, more than death, I decided to place an unseen son. Sun is not there in the whole of the film, it's only sound is being heard. And then the metaphor for his life is being always depicted through the rain, the sound of the rain, and then the human emotions, father waiting for missing son. And the government or the somebody to protect you
from this disaster, they said he's still alive. And the father believes whatever the person who said that he's alive, because their responsibility to tell you the truth. And what happens? And that conflict was my subject, actually. The custody death. It's happening even now, everywhere, all over the world. The power and the fight between the honesty. So they said it is alive. So the custody finishes. We talk about what has happened after the death and what has been to talk about. It's a very beautiful thought also. As both, I said, this as a person, like, you know, in Indian concept, as a filmmaker from the India, I always believed when I went to the Cannes, I asked the Gils Jacob that time, what are you looking for the cinema? Just a simple question for him. He said, after 20 years, cinema, or he said, it should look like something what the written words, like, you know, the Sanskrit words, whatever, the written, it is because that written works the spiritual part later. Now they are the text for reading before the God. It has content. So the image too have the content for that. Earlier, the words itself is the content for to find out, after reading, that man become a different person. Here also, after watching the cinema, he can transform into a different person. So that is the idea. The death, if you understand, and the question of death, which Upanishad was, and that is what I was looking for, actually, in cinema, even now. You have, in your earlier interview, said that cinema is the history of a country. Cinema tells the history of a country. And screening Indian cinema in international festivals is our opportunity to tell our story to the world. Do you think that Indian cinema today really tells the story of India to the world? Indian cinema is now being under the clutches of many corporates. The money is pumped through them. So if you look at very clearly, they are transforming Indian audience to their taste, like in West. So the reason I always found, their heroes are not our heroes. Very true. So the first part they do, change the taste of the audience. So the most important is then, what is that, you know, popular mass films. The most popular is the violence, first. Second one is the ultimate way of putting the visual effects in the other things, like that's where even Bahubali, for that reason, like, you know, visual interpretations and everything. The content, of course, is Indian. So they are gradually changing the taste of, for their feelings to come later to get their money from India. It's 1.5 billion people, no, almost India. No, it's a big market for cinema from outside, like Hollywood and everything. So we are in a trap now. The filmmakers from the region are the people who are gradually trying to pull this situation in a different way. But then multiplex is originally, they said that parallel cinema will be the small 200-300 seats will be the place for the small. In the protest of that thing, the multiplex became. It's like a supermarket now. Yeah. The vegetables are, earlier the vegetable seller will come to you, put you money. There was a friendly feel, a family feel, friendship stories are being told. And where does the supermarket tell that? So the cinema also becomes the kind of stuff. That's also very stressful nowadays. So the storytelling, all those things are very, very important now. That's also very, very, that way, I think, if you look at it, we now need regional filmmakers or the filmmakers from the big companies. And we have enough stories.
we have enough stories to talk to ourselves. And we are the a population where this grandma put you in sleep with the stories, no? So that is, that culture is gradually disappearing, no? And that's because the India has been born, India has been made together. Otherwise, where the filmmaker like Kerala wants to the Assam or Rajasthan, I have to shoot my film in Rajasthan to see that it's also integral part of my cinema. So this story is being told in a different ways, and way of knowing the human psyche differently, not the violence alone, subtlety, sensitivity, and they are the food for the brain. And it's not there, it's only consumption now. This consumption in the cinema really uprooted many things. So there must be a collective challenge against it. I think that's what matters. That's why when I make the film, it's native. Let me make that film. If I don't make that film, that idea itself is lost. So once it has been lost in that ocean, I cannot pick it up. I don't see them. It's been vanished forever. So you have to still struggle to do that. That's the idea. Talking about the subjects of your cinema, so pain is the hero. And as it also comes from the Mahabharata Samvada, which says that dukkha se kshayo nasti. Probably pain, dukkha is the only thing that is constant in our life. And that is what you have also portrayed in your films. See, if you look at all the religion, even the, you know, our own birth, the mother have a pain before the son or child is born. But look, Christianity, the Christ, it's all from the pain. Quran is out of the pain. All our epic form, Ramayana, Mahabharata, they all tell about the story of the pain. Actually, pain is the beginning of for the goodness. So it gives the goodness. Without pain, the goodness will not be understood. So that is the idea. So in cinema, I thought that all my expressions on the cinema is being always valued undercurrently through the pain. So then the people will remember it. See, it's like tears. It is transparent. It look like a clear water, but it has a taste. When it, so the same way, the pain also has a taste of a clarity of goodness. That goodness is embedded in the pain, that's why. Your most recent film, Ulu. If you talk about that, it talks about the story of a girl, as you had mentioned earlier, who has been sunk by her rapist in the backwaters of Kumarakom. And she there meets a painter who paints her dreams. That's what we have read about Ulu. And it is different from the other cinema that you have made in the sense that it is a fantasy movie and also that it is loaded with VFX. But is there an undercurrent of reality in it? It's not just a fantasy movie as people would see it. Yes. See, we dream in our life. In every day, we see certain images, much magnificent in a different way also. And see, that is also reality, no? Dream is a reality. And what our dreams, whatever we have seen, even it is surreal, it is real. Because we watch it. So same way, the cinema has a possibility telling a story through real and unreal. What you wanted to tell. So the fantasy part is the dream part of it. The real part is that we experience the real, like, you know, we like our own dream. So there is a, we cannot, in old days in cinema was being born, many people saw the dream in black and white. Now it is color. Nobody see in black and white. No. So cinema has an influence on your reality and unreal. Because they both blended together, so the story also functions. That is also a part of it.
നിലാവ് മറിക്കാതെ കുറച്ചൊന്ന് മാറി നിൽക്കാവോ? ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട. സത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ചിലപ്പോ ഉപദ്രവിച്ചതും വരും. നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് കാണാമോ? നേരിട്ട് കാണാതെ നമുക്ക് പ്രണയിച്ചൂടെ? എന്റെ പെണ്ണെ, എന്റെ പേരെന്താ? മായ. Who is this Maya? My goddess of art. ഈ പേയും പിശാചും ഒക്കെ ലോഹ്യത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ലതാ, തെറ്റിയാ തിരിഞ്ഞു കൊത്തും. എടാ, കായലിറങ്ങി എന്തെങ്കിലും എന്നെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കും. About the awards and recognitions that you have won, and recognitions like the Chevalier of Order of Arts and the letters from the French government, how do you see them? I got that award much before Padma Shri. So Padma Shri is also given to me in the honor of cinema. The other one is also given to me in the honor of cinema, because they thought that three cinemas, first cinema, second cinema, third cinema, consecutively I took it into the scan, which India, I don't think they got. So therefore, how do they look at me in that way? So I'm very proud that I could take it into the, like a sportsman, I could able to run three times in Olympic Stadium. Cinema, I could run in Cannes official theater. So it is a more of a proud moment for anybody, because when you are there, you are competing with whom? With the world's best. There are 200, 300 or 500, now 3,000 film festivals. But then with whom you are competing? And winning an award, those who are being your masters, that is also important. So which is important? But you were awarded for your very first film that went to Cannes, the Camara d'Or award and the Monsieur d'Or honor. So it is, I mean, look at that. When I was with my competition, who are the film makers with Kreslowski and all kind of, the other persons, like, you know, I remember in Locarno, I got second Silver Leopard. And then the first went to the Korean filmmaker, and second one went to me, and the third one was Abbas Kiarostami. That was the bronze model. And now he became the Palm Duo. Then I always remember where does my problem came in. Is the country uplifted them, or the audience uplifted them? And he lived in Paris to make films, and then he found more better producer to make the film. But I'm still struggling to find a producer to make this kind of film. Mm. So they get producers, I don't get producers. So where is the Indian cinema? It's not because they don't believe me, or I didn't prove it. I don't know. This is still a big question mark for me. As a person, as you said, the pain remains in with me. Mm. So I don't know where it is. How do you see success? Success, you know, it's one of the biggest, feel for me. When you make a film, forget that film. Then only you can create it. Thank you, sir. It was wonderful talking to you. And it was an immense pleasure that you have been a part of our show. Thank you. Thank you very much. Namaskar. आज के हमारे दोनों ही मेहमानों से मुलाकातें, चाहे वो राकेश बेदी जी हों या फिर शाजी एन करुण जी, इस बात को साबित करते हैं कि जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वो ऐसा काम कर जाते हैं जो समय से कहीं कहीं परे होता है। जी हाँ, तो कैसा लगा हमारा आज का यह एपिसोड, हमारे दोनों मेहमानों से मुलाकातें, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है goodeveningindia.dd@gmail.com।
तो बस आज के इस अंक में इतना ही. मैं सत्यप्रिया और मेरी पूरी टीम आपसे लेते हैं इजाजत. फिर मिलेंगे एक और रोचक एपिसोड के साथ जल्द ही. नमस्कार.